हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, वो है दो कुर्ता सेट का जो मैंने अभी रिसेंटली मीशो से मंगाए थे। मैंने काफी सारे एड्स देखे थे फेसबुक पे जिसमें बहुत ही सस्ते में आपको मीशो से इतने अच्छे अच्छे कुर्ता सेट्स मिल जाएंगे जो आपको इजिली कहीं भी 1000 से कम में तो नहीं मिलने वाले। मतलब किसी भी वेबसाइट पे अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे अमेजोन पे देख लो, आपको सेम कुर्ता सेट अमेजोन पे 1000 का मिल रहा होगा और मीशो पे उसका हाफ रेट यानी 500 समथिंग में कुछ मिल जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई आउट करती हूँ कि कैसा है और क्या है। तो मैंने वहां से दो कुर्ता सेट मंगाए जिसमें से मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि एक कुर्ता सेट तो मुझे ठीक ठाक लगा जो कि मैं पहन भी सकती हूँ अपने डेली यूज में, बट जो मैंने सेकंड कुर्ता मंगाया ना वो मेरे लिए टोटल वेस्ट था बिकॉज मैंने वैसे भी किसी ओकेजन में पहनने के लिए तो मंगाए नहीं थे, मैंने अपने डेली लाइफ में जो मैं पहनती हूँ उसके लिए मंगाए थे, तो डेली यूज के लिए। तो उसके हिसाब से एक तो काफी अच्छा आया और दूसरे ने तो पूरा डिजास्टर ही मचा दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम अच्छे कुर्ते की बात करते हैं, अच्छे नहीं मतलब ठीक ठाक कुर्ते की बात करते हैं। अच्छा तो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज जो मुझे पिक्चर में शो हुआ था, लाइक मैं आपको यहाँ पे पिक्चर आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली पिक्चर है, इसमें मुझे कुछ डार्क सा कलर लग रहा था ग्रीन और मेरे पास ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं था बिकॉज मैं ऐसे कलर्स पहनती नहीं हूँ ग्रीन वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्राई आउट करती हूँ ग्रीन कलर, क्या पता मुझे थोड़ा सूट हो अच्छा लगे। तो मैंने ये वाला जो कुर्ता सेट है ये मंगाया और अब अगर पिक्चर से कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि कितना लाइट कलर है और मतलब ये ग्रीन बहुत ही वियर्ड ग्रीन है। बट ये वो वाला कुर्ता है जो मैं आपसे कह रही हूँ जो ठीक आया है बिकॉज इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बट मुझे बस इसके जो कलर में थोड़ा वेरिएशन लगाना वो भी इस वाले कलर में, बस ये जो सॉलिड कलर है। बाकी ये वाला कलर तो परफेक्ट है, बट इसका जो ये लाइट है ना ये बहुत ज्यादा ही लाइट हो गया है और इतना लाइट तो खैर अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली आई डोंट थिंक कि मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ इतना लाइट कलर जाएगा। तो चलो छोड़ो उसकी बात, वो तो खैर। बट जो मुझे रिसीव हुआ है इसकी जो अगर प्राइस की बात करूं सबसे पहले तो ये मुझे सिर्फ 540 का पड़ा है विच इज एन अमेजिंग प्राइस, जिसमें आपको पूरा कुर्ता सेट मिल रहा है विद दुपट्टा। ऑल दो इसका दुपट्टा बिल्कुल बकवास है बट स्टिल दुपट्टा तो दुपट्टा है, अब मिल रहा है। तो ये कुर्ता आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, ये इसका नेक है जो कि एक राउंड नेक है और आगे से इसमें कुछ कटिंग दिया हुआ है ऐसा, और आगे इसमें पूरे में जो है बटन्स लगे हुए हैं सिर्फ नेक एरिया पे, मतलब इधर इधर, और आगे से इसमें कुछ थोड़ा एम्ब्रॉयडरी का वो है, टच है, बहुत थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, वो भी आई थिंक कोई जरी है ना कि कोई नॉर्मल थ्रेड है। तो इतनी कम एम्ब्रॉयडरी है तो मुझे उसके हिसाब से ये काफी अच्छी लगी बिकॉज ज्यादा एम्ब्रॉयडरी तो अच्छी भी नहीं लगती है डेली यूज में पहनने में, थोड़ा लाइट ही हो तो काफी अच्छा होता है। और इसका पैटर्न आप देखो, इसमें प्रिंट कुछ इस तरीके का है आप देख सकते हो, और इसकी लेंथ तो काफी अच्छी है। वेल, मैंने इसको मीडियम में मंगाया था, मुझे हल्का सा लूज आया है बट मैं गर्मियों में ना थोड़े लूज कपड़े ही पहनती हूँ तो इसलिए मेरे लिए तो परफेक्ट है। अगर आप अपने बिल्कुल फिट पहनना चाहते हो और आपका बॉडी जो साइज है वो मेरे अकॉर्डिंग ही हो तो आप स्मॉल में मंगाना, वो आपको एकदम फिट आएगा, बट मैंने मीडियम में जानबूझ के ही मंगाया था बिकॉज मुझे थोड़ा ना लूज फिट थोड़ा ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा लूज ही मंगाया था। इसकी जो स्लीव्स आपको मिलेंगी वो 3/4 मिलेंगी और उसमें भी आपको पूरा प्रिंट मिलेगा जो कि कितना मस्त लग रहा है। वैसे मुझे ना इस पूरे सेट में सिर्फ ये कुर्ता और ये जो पैंट आया है उसके साथ वो अच्छा लगा, मुझे दुपट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसका, जो मैं बिल्कुल पहनने भी नहीं वाली हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों को पहनूंगी। तो आप देख सकते हो स्लीव्स पे कुछ इस तरीके का डिजाइन है और यहाँ पे इसका साइज भी लिखा हुआ है 38, सो 38 साइज है और इसमें लिख रहा है कि ड्राइक्लीन ओनली, मतलब 500 रुपए का आइटम मैं ड्राइक्लीन कराऊंगी। तो आपको कुछ इस तरीके का आइटम जो है रिसीव होने वाला है अगर आप ये वाला आइटम मंगाने वाले हो। मैं इसका जो कोड है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इसको देख के मंगा सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। वैसे सच बताओ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, गर्मियों के हिसाब से तो ये बहुत ही परफेक्ट है बिकॉज कॉटन है, ऊपर से काफी अच्छी लेंथ है इसकी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटा है बहुत ज्यादा लंबा है, मेरी हाइट जो है 5'5" है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये परफेक्ट आया है।
अगर आपकी हाइट मुझसे थोड़ी ज्यादा है तो और भी बेटर आएगा, क्योंकि मुझे नी से थोड़ा सा लंबा है बस। और अगर आपकी हाइट मेरे से शॉर्ट है तो आप इसको ऑर्डर करवा सकते हो, कोई वरी नहीं है। और सबसे अमेजिंग बात ना इस कुर्ती की ये है कि ये सिर्फ 540 रुपए में मुझे रिसीव हो गया। मतलब 540 में तो मैं एक कुर्ता भी शायद मुझे मुश्किल से मिलेगा। और यहाँ पे मुझे पूरा कुर्ता सेट मिल गया जिसमें मुझे विद दुपट्टा आया है ये। तो ये तो रहा इसका कुर्ता। अब आते हैं इसके पैंट के ऊपर। तो पैंट आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है। पता नहीं मैं ग्रीन बोलूँ या इसको पता नहीं कौन सा कलर है ये, बट आई थिंक ये ग्रीन कलर है। यहाँ पे इसमें इलास्टिक लगी हुई है जो कि कितने भी अगर आप मोटे हो जाओ तो आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। और इसकी लेंथ भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मेरे तो बिल्कुल एंकल तक आ रही है। ऊपर से ये काफी ज्यादा हाई वेस्टेड है तो उसमें भी आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आई थिंक इसमें पॉकेट्स तो नहीं है, पॉकेट्स नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, मतलब इतने सस्ते आइटम में मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि पॉकेट्स होंगी। बट अगेन मटेरियल इतना सॉफ्ट है, इतना मतलब 100% मुझे कॉटन लग रहा है ये। मतलब इतने सस्ते में मिलता तो नहीं है बट स्टिल मुझे इसका मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। गर्मियों के हिसाब से अगर आप लेना चाहो ना तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो। और ये इतना सिंपल भी नहीं है, मतलब आप पहनोगे ना इसको तो आप अच्छे से मेकअप वगैरह हेयर स्टाइल वगैरह करोगे तो आपके ऊपर बिल्कुल मस्त लगने वाला है। मैंने अभी तक पहना नहीं है, मैं सच बोलूं मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वियर दिस। जब मौका मिलेगा तब पहन लेंगे। तो ये तो रहा पैंट जो कि बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। जो इसमें सबसे खराब चीज लगी ना वो मुझे इसका दुपट्टा लगा, क्योंकि एक तो मतलब कॉटन दुपट्टा है बिल्कुल, बट इसमें जो ये काम दिया हुआ है ना पूरे दुपट्टे में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा चीप लग रहा है और ये बहुत ज्यादा इची है। आपकी स्किन के ऊपर शायद रैश भी हो जाए अगर आप इसको पहनोगे। ऊपर से मुझे इसका कलर और इसका ये जो चीप चीप थिंग्स है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मुझे नॉर्मल दुपट्टा ही अच्छा लगता है, शिफॉन का या फिर जॉर्जेट का। ये कॉटन के दुपट्टे शायद मतलब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इसको मंगा के इसको डाल सकते हो विद पूरे सेट के साथ, बट मैं इसको अपने सेट में इंक्लूड नहीं करूंगी। अगर मुझे इसका दुपट्टा चाहिए भी होगा, वैसे मुझे नहीं चाहिए बिकॉज मैं दुपट्टे पहनती नहीं हूँ, तो मैं अलग से ले लूंगी किसी शिफॉन में इस सेम कलर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी लेंथ दुपट्टे की बहुत अप्रोप्रिएट है, आई थिंक पूरी 2 मीटर की है तो दुपट्टे में भी कोई कमी नहीं है वैसे तो। बस मुझे इसका कलर, इसका ये जो गोटा थिंग है ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैं इसको पहन लेने वाली हूँ। बाकी मैं ये जो सेट है ना इसको तो जरूर पहनूंगी बिकॉज इसका मटेरियल इतना अच्छा है, इतना कम्फर्टेबल है। मतलब जब ये आया था ना तब मैंने सिर्फ ट्राई आउट किया था तो मुझे उसके जो मैंने पहना था ना उस टाइम बहुत गर्मियां थी, अब तो फिर भी थोड़ी कम हो गई है आई गेस, बट उस टाइम पे तो काफी गर्मी थी। और जब मैंने पहना था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ हैवी पहना हो, कुछ मतलब बहुत अजीब सा पहन लिया हो, बहुत कम्फर्टेबल था। तो अगर आपको एक अच्छा कुर्ता सेट चाहिए आप समर में पहनने के लिए तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। ऊपर से कलर भी थोड़ा यूनिक सा है, मतलब मैं तो पहनती नहीं हूँ ऐसे कलर्स, लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा यूनिक लगा तो मैंने इसे ले लिया। अगर आपको भी ये कलर थोड़ा यूनिक लग रहा है तो आप भी ले सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अगेन डाल दूंगी इसको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ जो कि है ये वाला आइटम। मतलब मेरे ख्याल से आपने ये मीशो पे काफी ज्यादा देखा होगा ये वाला कुर्ता, बट मेरे लिए तो ये कुर्ता बहुत बेकार आया है बिकॉज मैंने इसको मीडियम साइज में मंगाया था। मैंने सोचा था कि जैसा वो कुर्ता आएगा वैसा ही मुझे ये वाला मीडियम में रिसीव हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मीडियम आप देखो, कैन यू जस्ट सी दिस, इसका नेक इट्स लाइक कि मैंने कोई मैक्सी वगैरह पहन लिया है। प्लस इसका जो मटेरियल है ना वो काफी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। इसका जो मटेरियल है एकदम कॉटन है, ऊपर से इसका प्रिंट भी मुझे काफी अच्छा लगा था। सी प्रिंट वगैरह सब बहुत अच्छा है बट इसमें ना एक चीज मेरे साथ गड़बड़ हो गई और वो ये है कि मुझे ये थोड़ा
आप मेरी फिंगर देख सकते हो, मुझे ये फटा हुआ रिसीव हुआ है। तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस वन, क्योंकि ये बिल्कुल भी एकदम मीडियम तो है नहीं, ये बिल्कुल भी मीडियम नहीं है, ये मुझे शायद एक्सेल लग रहा है। ऊपर से इस पे कोई बैच पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा साइज है, मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ भी उठा के मुझे दे दिया है। बाकी इसका कलर वगैरह मुझे काफी अच्छा लगा, अगेन मेरे लिए थोड़ा यूनिक कलर है, मैं ऐसे कलर नहीं पहनती हूँ, बट मैंने फिर भी मंगाया बिकॉज इसका कलर मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, बहुत ही समरी समरी वाइब दे रहा था, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। लेकिन ये तो टोटल वेस्ट हो गया है, पता नहीं ये रिटर्न होगा भी या नहीं होगा, देखते हैं। और ऊपर से मैं किसी को दे भी नहीं सकती ना ये, बिकॉज ये फटा हुआ है, तो इट्स जस्ट टोटली अ वेस्ट फॉर मी। तो देखते हैं चलो इसको क्या करना है इसका, बिल्कुल ये बिल्कुल वेस्ट कुर्ता है। ऊपर से ये इतना सस्ता था कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये इतना सस्ता था, लाइक मुझे ये सिर्फ 440 रुपए का समथिंग पड़ा, तो मैंने सोचा कि क्या 440 में कहाँ ऐसे कुर्ता सेट मिल जाते हैं, वो भी पैंट के साथ, तो मैं सोचा क्यों ना मंगा लेती हूँ। ऊपर से कलर भी थोड़ा वाइब्रेंट सा है, थोड़ा अच्छा सा है, ब्राइट सा है, तो समर में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बट मुझे नहीं पता था कि इतना डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी मुझे इस चीज से, तो मैं काफी एक्साइटेड थी इसके लिए, बट क्या कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्लाजो की। प्लाजो बहुत अच्छा है सच में, मैंने अगर मुझे ये वेस्ट मतलब है वैसे तो वेस्ट ही है, लेकिन मैं इसका प्लाजो जरूर पहनने वाली हूँ किसी भी टी शर्ट या किसी भी कुर्ते के साथ। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट, रात में पहनने के लिए तो अमेजिंग है, और काफी खुला खुला सा भी है, बिल्कुल पैंट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स लाइक अ पजामा, आप देख ही सकते हो बिल्कुल पजामा वाइब दे रहा है ये। ऊपर से इसका जो प्रिंट है ना, ये चेक चेक प्रिंट, ये भी बिल्कुल पजामा वाइब दे रहा है, तो इसको शायद मैं पहन सकती हूँ एज अ पजामा, बट दिस आई कांट इवन वेयर इट लाइक अ मैक्सी, तो दिस इज अ टोटल वेस्ट फॉर मी। अब देखते हैं, अगर रिटर्न हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ये तो मैं पहनने वाली हूँ बिकॉज ये तो बहुत अच्छा है। इसको पता नहीं क्या करना है, जो भी करना होगा इसको देखेंगे, बट ये बहुत अच्छा है। इसका जो मटेरियल है अगेन सेम फर्स्ट वाले कुर्ते का था जैसे, बिल्कुल वैसा ही है, बहुत कॉटनी मटेरियल है, बहुत अच्छा है, और ये तो मैंने पहन के देखा था ये वाला पीस मतलब, तो इसका मुझे पजामा सच में बहुत अच्छा लगा। ऊपर से इसका पजामा भी आप देख सकते हो कितना हाई वेस्ट है, तो आई कैन वेयर दिस एज अ पजामा बट आई कैन नॉट वेयर दिस एज अ कुर्ता। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।